नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अगर आप भी सफेद दाग की समस्या से परेशान हैं, सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो, और कई बार लोग कंफ्यूज होकर सहुआ जो पिथोराइसिस सैल्वा होता है उसको भी कई बार लोग सफेद दाग समझ लेते हैं, तो अगर आप इन किसी भी समस्या से परेशान हैं तो मैं डॉक्टर ललित कसाना आज आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स सफेद दाग के बारे में बताऊंगा और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि सफेद दाग एक ऐसी समस्या है जिस किसी को सफेद दाग हो जाते हैं उनको लगता है कि भाई उनका तो जो है मतलब एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं, और लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, यानी कि कंफ्यूजन्स कह लीजिएगा, मिथ्स कह लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा है ना। लोग समझते हैं कि भैया अगर सफेद दाग हो गए हैं किसी को तो ये परिवार में अगर किसी को है तो हमको भी हो जाएंगे, या फिर किसी किसी को लगता है कि अगर सफेद दाग हो गए हैं तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो मैं आज इन सारी भ्रांतियों से पर्दा उठाऊंगा आपके साथ, और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जो है आप पहुंचाएं, ताकि ये सारी की सारी जो भ्रांतियां हैं, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन्स, ये सारे के सारे मिथ्स क्लियर हो सकें। और मैं फ्रेंकली आज आपको बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में इस तरह से समझाऊंगा कि कोई मेडिकल, जैसे मैं हर अपनी वीडियो को बनाने की कोशिश करता हूं कि वो इजिली आपके जो है समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स में यूज करने वाला नहीं हूं, और आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा कि आपको इजिली वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सफेद दाग जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है ये होते क्यों है और इसके क्या क्या नुकसान है शरीर पे, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो मैं सीधे शब्दों में आपको बता दूं, जो लोग ये समझते हैं कि सफेद दाग होने से किसी व्यक्ति को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफेद दाग से किसी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या नहीं होती है, मानसिक लेवल पे भी कोई भी समस्या नहीं होती है, जब तक कि आदमी बहुत ज्यादा अपने आप स्ट्रेस ना लेने लगे। क्योंकि सामाजिक रूप से अगर हम देखा जाए तो लोगों के मन में जो है ना, जैसा मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे जो है कन्फ्यूजन्स हैं और लोग बहुत प्रेशराइज करते हैं। मैंने देखा है, अपने पेशेंट को देखा है कि उनको लगता है कि भाई सर सामने वाले देख के इसको बहुत अजीब सा फील करते हैं, मेरा हाथ पे है तो किसी से हाथ मिलाने का भी मन नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं जब भी आपसे कहता हूँ खुले शब्दों में, मतलब वो शत प्रतिशत बिल्कुल सत्य है, वो ये है कि सफेद दाग कभी भी किसी को छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलते हैं। अगर किसी को सफेद दाग है तो उसके हाथ का खाना खाने से, उससे हाथ मिलाने से, उससे गले मिलने से, उससे बात करने से, उसके पास बैठने से, सफेद दाग कभी भी उसको छूने से सफेद दाग नहीं फैल सकते हैं, और ना ही इसका कोई भी पर्टिकुलरली शरीर पे कोई भी इसका नुकसान है। जिस व्यक्ति को सफेद दाग है उसको इससे कोई भी किसी तरह का भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी बात जो है, अगर किसी को सफेद दाग है उसको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए है क्योंकि कई बार लोग, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, है ना। तो दोस्तों, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी इसमें जो है जरूरत नहीं है। जब मैं ट्रीटमेंट की बात अभी करूंगा तो ट्रीटमेंट भी मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कौन से ट्रीटमेंट इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेहतर है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करूंगा कि सफेद दाग होते क्यों हैं। तो दोस्तों, सफेद दाग एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है। अब ऑटोइम्यून क्या है? ऑटोइम्यून है कि जब हमारी खुद की इम्यूनिटी, जब हमारी खुद की बॉडी अपनी बॉडी के खिलाफ ही वर्क करने लगती है, अपनी खुद की सेल्स को खत्म करने लगती है, उस कंडीशंस में हम उसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, है ना। इन ऑटोइम्यून जितनी भी बीमारी होती हैं, इनका कोई भी पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह का कोई भी इसमें जो है इसका कारण जो है नहीं होता है। ये खुद की, जैसे सोरियासिस है, सोरियासिस ऑटोइम्यून बीमारी है ना, इसी तरह से ही सफेद दाग भी ऑटोइम्यून है ना। अगर मैं बात करूं आपके जो सफेद दाग यानी कि विटिलिगो की, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं, मिलेनोसाइट्स, आप देख पाएंगे साथ में जो है, तो ये मिलेनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, इनका काम होता है त्वचा के अंदर कलर को बनाना। अब जब अपने आप ही वो कलर जो है बनना बंद हो जाता है, वो सेल्स कलर बनाना बंद कर देती हैं,
अपने आप कलर बनाना बंद कर देती हैं तो वो एरिया सफेद दिखने लगता है। अब आप समझिए उधर हुआ क्या है। बिल्कुल एकदम जो है हमारी फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो एकदम नॉर्मल है, हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ जो कलर बन रहा था स्किन में पर्टिकुलरली किसी स्पॉट पे वो कलर बनना जो है बंद हो गया है, जिसकी वजह से वो स्किन जो है वो वाइट दिखने लगती है। बस इतना। अब जो इसके लिए ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि और भी रीजन होते हैं, जैसे कई बार प्रेशर के कारण, अगर सपोज जैसे मैंने वॉच पहनी हुई है ना, लगातार बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो लगातार प्रेशर के कारण भी जो है कई बार वो वहां पे जो है सेल्स वो वर्क करना बंद करती हैं, जिसकी वजह से वो कलर आना बंद हो जाता है, तो वहां पे व्हाइट स्पॉट आ जाता है। कई बार जो है हम जैसे बहुत ज्यादा स्लीपर्स वगैरह पहन रहे हैं, चप्पल वगैरह पहन रहे हैं, उसकी वजह से आ जाता है, कोई हम ज्वेलरी पहन रहे हैं उसकी वजह से दाग आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमें उस प्रेशर को जो है कंटिन्यूसली जो प्रेशर लग रहा है उसको हमें हटाना पड़ता है, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। कई बार अगर वो इंटरनली हो रहा है, जैसे मैंने ऑटोइम्यून वाला बताया था, उस कंडीशन में उसके लिए मेडिसिंस दी जाती हैं। अब मेडिसिंस में क्या क्या है, बीइंग ए होम्योपैथ, जैसे कि मेरा होम्योस्थेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो हम अपने क्लिनिक पे क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम अपने क्लिनिक पे सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिंस खाने के लिए देते हैं। और इसमें क्योंकि मैं जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, हम अपने क्लिनिक पे होम्योस्थेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिंस और लेटेस्ट थेरेपी या मेडिसिंस जो हैं, बट उनको कंबाइन करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट इस कंडीशन में क्या है, क्योंकि ये प्योर ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसलिए हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिंस यूज करते हैं खाने के लिए, लगाने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिंस इसमें देते हैं, जिससे कि वो इंटरनली सेल्स को फोर्स करती हैं कि वो सेल्स अपने आप ही कलर प्रोड्यूस करने लगें, और वो जो कलर फिर बनता है वो एकदम नेचुरल कलर बनता है। और वो बनता किस तरह से है, पैटर्न किस तरह से बनता है, आप साइड में देखेंगे कि जो रूट्स है यानी कि जो हेयर की रूट्स हैं, जड़ जो हैं, वहां से ही, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा जो है मेलानोसाइट्स को मिलती हैं, तो वहीं से ही वो कलर प्रोड्यूस करना नेचुरली अपना स्टार्ट करती हैं। और हेयर की जड़ के पास चारों तरफ एक छोटा सा घेरा टाइप का बनने लगता है कलर का, नेचुरल कलर जो है, और वही मेलानिन धीरे 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 बढ़ता जो है आपस में, वो छोटे 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 डॉट बढ़ते हैं और आपस में मिलके फिर वो नेचुरल स्किन कलर बना लेते हैं। अब कई बार जो है मार्केट में, जैसे एलोपैथी की अगर मैं बात करूं, तो क्रीम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं, है ना, जो अपने आप नेचुरली कलर बना देते हैं, लेकिन उसमें कई बार क्या है, आपने देखा भी होगा जिन लोगों को ऑलरेडी व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम मेडिसिन लगाना बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे करके वापस प्रॉब्लम जो है जैसी पहले थी ऐसे ही हो जाती है। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूं, एक बार जो हमारा स्पॉट ठीक हुआ उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है कि जब भी हम मेडिसिन ले रहे हैं तो अपना डाइट वगैरह प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उतनी ही मेडिसिन हमारा ये पॉजिटिव वर्क करती हैं, उतनी ही मेडिसिन हमारा अच्छा असर ये दिखाती हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि होम्योस्थेटिक, होम्योपैथिक और एस्थेटिक्स, जिन लोगों को पर्टिकुलर एक या दो स्पॉट है उन लोगों के लिए तो हम सिर्फ जो है होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, जिन लोगों को एक से ज्यादा स्पॉट है, जिन लोगों को बॉडी पे अलग अलग जगह पे हैं, उन लोगों को हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, प्लस साथ में जो है यूवी रेज थेरेपी, फोटोथेरेपी जो होती है वो फोटोथेरेपी हम देते हैं, और जिसके लिए एक चैम्बर होता है, आपको प्रॉपर उस चैम्बर में खड़ा होकर यूवी रेज थेरेपी जो है वो लेनी पड़ती है, और इसके भी बहुत अच्छे जो है रिजल्ट है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी किसी तरह का भी अगर डाउट है सफेद दाग को लेके, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भी आप कंसल्ट करना मुझसे चाहते हैं, और या फिर कोई और आपके मन में डाउट है, कोई और आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जो अभी नंबर ये फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके, जो 8510840001, इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और ऑनलाइन ही मुझसे वीडियो चैट करके, आप किसी भी भारत के कहीं भी, आप किसी भी स्थान पे हैं, कहीं भी किसी भी राज्य में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप ऑनलाइन मेडिसिन अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, और वो प्रॉपर आपके साथ कंसल्ट करके आपको जो है मेडिसिन भिजवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे डॉक्टर्स इन्वेंशन के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो भी आप नीचे दी गई वेबसाइट से मंगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मुझे जो है, मेरा जो चैनल है डॉक्टर ललित कसाना हिंदी चैनल,
मेरा दूसरा जो चैनल है उस चैनल पे नॉर्मली मैं वीडियो बनाता हूँ आपके ट्रीटमेंट की, बस इस चैनल पे मेरी सारी की सारी वीडियोज होती हैं जिसमें मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें हिंदी में डिस्क्राइब करता हूँ। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं सबको इस चैनल को जो है शेयर करें सभी के साथ। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह की वीडियोज आपके लिए बनाता रहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा आके आप मुझे जो है फॉलो करें। धन्यवाद।